आपने यहाँ तक अपनी स्किन क्या शेयर की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ये समझ बाद है यार। मैंने वैसे फर्स्ट टाइम किसी को देखा इतनी ज़्यादा शेयर। तो मैं हेयर ही खुद पे खर्च करके ना खुद नहीं होता यार, क्या होता है ये तो पैसे जब टाइम से ना बाल भी तो बहुत कम भी हो जाते हैं, पता हो कम भी हो जाते हैं ज़्यादा भी हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ख्वातीन जो है उनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं, मेरी बहन के बाल भी करते उसमें ना वो कर करके ना ब्लीच उसने अपनी जगह पर बात कर किसने उसके पहले बाल था नहीं थे मैंने आपको बताया तो है बालों का ताल्लुक ब्लीच के साथ नहीं है, बालों का ताल्लुक है हार्मोन्स के साथ और जीन्स के साथ। पहले मैंने इस तरह की अपनी जो सुनी है इसमें आ गई थी शायद आपको याद है मैंने अपनी नानों को करके देखी वो उसमें दम गाढ़ा आ गए तो फिर अपनी मतलब अगर जोड़ने वगैरह तो उससे पड़ जाती है भी ज़्यादा लगा भी नहीं वही तो आपको क्या क्या थोड़ा सा लगा रही बालों में सारा चूस लिया। आप स्कैल्प पे लगाए ना आप बालों में ना लगाए आपकी गंज है तो लगा दें गंज में बाल जो थंडर स्टॉर्म था वो कौन है ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं सोया हुआ मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ मोबाइल मुझे नहीं पता ना सो रहा अभी होता पता क्या है जो हमारे स्पेस है ना उसमें हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बैलेंस में रहते हैं तो जैसे ही कभी ये वेदर इस तरह का हो जाता है मतलब रेनी वेदर हो जाता है या वेदर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना जो रेशो है तनासिब है उसका हवा में वो इम्बैलेंस होता है। जब वो इम्बैलेंस होता है ना तो उसको दोबारा मैच करने के लिए जब वो ट्राई कर रहा होता है ना उससे ठंड है हाँ हाँ वो होता है तो हम समझते हैं शायद कोई ऊपर है कोई नहीं नहीं हम होते हैं वो होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो इमेजिन करें मैं सो रहा था यार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि इधर हो रहा अभी रेनिंग हो रही है ना तो हम यहाँ पे हमें सुकून नज़र आ रहा है लेकिन ये ऊपर जो क्लाउड्स हैं वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो रही है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल आयन और पता नहीं क्या क्या नहीं वो सारे बैलेंस है यहाँ इस वजह से कोई नहीं जंगल में आग लगती है वो इसी ये लाइटनिंग की वजह से लगती है ये पहाड़ों में या वो हीट ज़्यादा होने की वजह से ना इसी वजह से तो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या
ग्लोबल वार्मिंग क्या, अब तो खैर ओवरऑल पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा है और आइंदा 20 सालों के अंदर अंदर और वर्स होगा। मतलब लाइक ड्राउट्स ज़्यादा आएंगे, खुशसाली जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, बारिशें ज़्यादा होंगी, वेदर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होता जा रहा है। नहीं, तो बारिशें ज़्यादा होंगी, खुशकिस्मती कैसे होगी? नहीं नहीं, एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जिन एरियाज़ में बारिशें होती हैं उसमें एक्सट्रीम बारिशें, मतलब अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे तारीख में कभी इतनी बारिश नहीं हुई, वहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है। ये जो पे कुछ वाली साइड है वहाँ पे नहीं है ना इतनी बारिश? नहीं, वहाँ पे नहीं, जो एरिया ना सहराई, हाँ वहाँ पे नहीं, हालांकि वो कभी पहले समुंदर का ही सारा वो एरिया, हाँ तो वो रेती सारी ज़मीन समंदर ही की है ना। सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाली कंट्रीज हैं ना, ये हैं जो आइसलैंड हो गए हैं, लाइक मेरा ख्याल है इंडोनेशिया, और मतलब वो जो सी के पास पास है ना, कई कंट्रीज तो ऐसी हैं जो सी के अंदर है, एक आइसलैंड की तरह। वो जो दुबई है वो भी सी के पास नहीं? हाँ, तो इस तरह तो कराची भी सी के पास है। कराची ये है, लेकिन पाकिस्तान सारा तो नहीं है, समुंदर के पास जो शहर है वो इस वक्त हाई अलर्ट की सिचुएशन पे है, क्योंकि वो जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका हाँ वो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका अंटार्कटिका, तो आजकल तो कई एड्रेस में देख लूँ तो पता नहीं बालों में क्या लगा होता है, वो जब कटिंग करते हैं तो बालों में आग लगा होता, तो फिर देखिए आपने जो वीडियो इस तरह ही सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं सही कह रही हैं वो, स्टंट है वो, इस तरह के स्टंट्स हैं। तो मेकअप में भी इतनी टेक्निक्स आ गई है, चम्मच रखें तो उससे हर किस्म का नीटनेस से मेकअप करें, हाँ। और वो जो ये आईज की क्या हैं वो आई पैच, आई पैच से लगाएं उससे आईज में कपड़ा लग रहा है, उसके अलावा वो जो टेप नहीं है टेप जो स्कॉच टेप करते हैं उससे, मेकअप मैन्युफैक्चरिंग या मेकअप प्रोडक्शन वाली कंपनीज एजेंसीज है ना, वो अपना अपनी मसनूआत बेचने के लिए प्रोडक्ट बेचने से पहले मार्केट में ये तासुर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए, ड्रामा मूवीज़, यानी नॉन कमर्शलाइज मैस कम्युनिकेशन के ज़रिए वो पैगाम देते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे खूबसूरती है मेकअप
और सेक ऑफ यही है ना कि लोग अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज करते हैं, वो जी कि ब्यूटीफुल होएंगे तो शायद उसका कोई एडवांटेज होगा। यार मेकअप तो इस तरह के हैं भी हैं जो जैसे भी है ना आपको आउटस्टैंडिंग। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज दैट मेकअप स्टे ऑन देयर फेस, मतलब वाइट होने वाले इंजेक्शन हार्मोनल। वाइट होने की ख्वाहिश क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये देखें ना, सबसे पहले ये हम लोगों में सोच डाली गई कि आपकी चमड़ी, आपकी स्किन सफ़ेद होगी तो आप प्यारे हैं, क्योंकि हमारे जो आबाऊ अजदाद थे वो सफ़ेद चमड़ी की ग़ुलामी करते हैं, और सफ़ेद चमड़ी, सफ़ेद स्किन जो है वो यहाँ खूबसूरती की नहीं, मतलब ग़ुलाम और हुक्मरान के दरमियान एक